पुलिस के पास लावारिस लाशें आती हैं, उनके निस्तारण में जो हमारे थाना प्रभारी वगैरह हैं उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों ने उस दिन ये निर्णय किया कि हम लोग जो भी लावारिस लाशें आएंगी उनका 100 दान हम लोग निःशुल्क करेंगे। निधि देव अग्रवाल, संरक्षक, काशी मोक्ष दायिनी सेवा समिति। निधि जी, आप लोग एक आयोजन करने वाले हैं, कुछ विसर्जन पिंडदान का और एक अस्थि विसर्जन का, क्या है पूरा कार्यक्रम और इसकी वजह क्या है, क्या साल भर क्या कराती है आपकी संस्था? जो देखिए, आज से कई वर्ष पहले किसी ऑफिस में एक आईपीएस अधिकारी बैठे हुए थे और ऐसे ही चर्चा चल रही थी कि जो पुलिस के पास लावारिस लाशें आती हैं उनके निस्तारण में जो हमारे थाना प्रभारी वगैरह हैं इनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जो एक सरकार द्वारा निर्धारित फंड है वो भी जैसा ज्ञात हुआ कि काफी कम मात्रा में आज भी आता है, ये वो एक पुराने समय से एक ही फंड चला आ रहा है और बेचारे वो सभी लोग अपनी व्यवस्था कर करके और उसका निस्तारण करवाते हैं। चर्चा होते होते हमारे चेयरमैन केशव जालान जी भी उपस्थित थे, तो हम लोगों के मन में एक ये विषय आया कि ये जो आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा, कम से कम मुक्ति उसको उस एक अच्छे तरीके से प्राप्त हो। और जैसे हर व्यक्ति को ईश्वर के दरवाजे तक जाने का अधिकार है तो उसको भी ऐसी सुविधा हो। तो हम लोगों ने उस दिन ये निर्णय किया कि हम लोग जो भी लावारिस लाशें आएंगी उनका 100 दान हम लोग निःशुल्क करेंगे और इस प्रेरणा के साथ ये क्रम चालू हुआ। सर्वप्रथम काशी मोक्ष दायिनी के हमारे अध्यक्ष पवन चौधरी जी हमसे जुड़े, बहादुर चौधरी जी जुड़े और ऐसे ही एक संगठन तैयार हुआ और हम लोगों ने सरकारी नियमों के साथ जो भी सरकार द्वारा लाशें हमें प्राप्त होती हैं या पुलिस प्रशासन द्वारा, तो शासन से एक पत्र लेके वो लोग आते हैं जिसपे थाने से कंफर्म हो चुका होता है कि ये लावारिस लाशें हैं और इनका 100 दान होंगे, तो हम उनको पूरी व्यवस्था बनाए और जो जो व्यक्ति का 100 है उसको भी, चूंकि किसी को ज्ञात नहीं ये कौन है, उसके साथ लावारिस सब ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो हम उसको मुक्ति मिले इसके लिए उसके क्रियाक्रम में जो भी चीजें होती है उनको पूर्ण करते हैं और उनका क्रियाक्रम करते हैं। उनकी अस्थियों को हम लोगों ने संयोजना चालू किया और हम लोगों ने जब आपस में बैठ के विचार किया कि क्यों ना, हर व्यक्ति के लिए तो पिंडदान करने वाले उनके परिवार के लोग होते हैं लेकिन इन लावारिस का, तो हमारे संगठन ने ये तय किया कि हम ये जितनी लावारिस लाशें हैं इन सभी लाशों का 100 दाह के साथ साथ महालय के दिन, पितृपक्ष में महालय के दिन हम 11 ब्राह्मणों द्वारा इनका पिंडदान, त्रिपिंडी, श्राद्धी, जो भी हम त्रिपिंडी श्राद्धी ये सारी जो कर्मकांड की विधियां हैं इनके अनुसार इनका कर्मकांड करेंगे और प्रार्थना करेंगे महाकाल की नगरी काशी विश्वनाथ से कि इनको भी इनके यथा स्थान मुक्ति मिले और इनको इनका स्थान प्राप्त हो। तो इसमें उस समय के हमारे अधिकारियों से भी इस विषय पर चर्चा हुई तो उनको भी ये व्यवस्था बहुत अच्छी लगी और हम लोगों के साथ अधिकारियों ने भी कहा कि जिस दिन भी आप ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं हमें भी आमंत्रित करें, हम स्वयं वहां उपस्थित होंगे। इससे बड़ा दुनिया में कोई कार्य नहीं हो सकता कि शायद हम किसी ऐसे के लिए जिसको हम नहीं जानते इसके लिए हम मुक्ति का कार्य कर रहे हैं, तो उसमें सम्मिलित, तो उसमें एसपी रैंक के अधिकारी, एडीएम रैंक के अधिकारी सभी उपस्थित हैं। इस वर्ष क्या कार्यक्रम है और किस दिन आप लोग करने जा रहे हैं? इस वर्ष 14 तारीख को महालय है, महालय के दिन हरिश्चंद्र घाट पे ही हम ये ब्राह्मणों के द्वारा इनका क्रियाक्रम कर्मकांड का पूरा कार्यक्रम रखेंगे और उसमें इनके लिए पिंडदान, त्रिपिंडी, श्राद्धी, जो भी चीजें हैं वो करने के साथ एक छोटा सा हवन भी वहाँ होता है और इसमें हमारे शहर के मानेंद्र अधिकारी भी उपस्थित होकर अपनी ओर से भी कुछ आहुति देते हैं इनकी मुक्ति के लिए।
उसके पश्चात इनकी जितनी भी हमारी अस्थियां एकत्रित रहती हैं उनको सब एक साथ प्रार्थना के साथ गंगा में प्रवाहित करते हैं। इस वर्ष कितने अस्थि कलश हैं, कितने लोग का स्नान है? इस वर्ष की संख्या निर्धारित हो चुकी है, जो संख्या हमारे रजिस्टर में है उसको देख के उनके अनुसार ब्राह्मणों की टीम निर्धारित है और इन सभी के लिए जो भी अभी तक हुए सारे रिकॉर्ड हमारे तैयार हैं, उनके अनुसार इनका पूजन होगा। जी एक सवाल आता है और हमारे पास लोग करते हैं कि जैसे आप नावारिस लाशों का दाह संस्कार स्वेच्छा से आपके संस्कार करा रहे हैं, काफी वर्षों से करा रहे हैं, कि नावारिस में अक्सर ऐसा होता है कि मुस्लिम शव मिले, तो संस्था आपकी अगर मुस्लिम शव के लिए भी क्या कार्य करती है? मुस्लिम शव देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास ये व्यवस्था आई थी और हमारे मुख्तार महतो साहब मदनपुरा इन ये भी हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, जैसे ही पहली बार ये व्यवस्था आई, चूंकि ये पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होता है कि ये मुस्लिम है कि क्या है, तो हम उनके जो धर्म के नियम हैं उनके अनुरूप हम महतो साहब से बात करते हैं। चूंकि इनकी यहाँ मलकियत का चक्कर है, हर जगह दफनाने की क्रिया नहीं हो सकती, इसके लिए अनुमन की जो उच्च लावारिस लाशों के लिए जगह निर्धारित है वहीं इनका दफन करने का कार्य कर सकते हैं, तो उनके सहयोग से हम उनके लिए कब्र खुदवाते हैं, कब्र खुदवा के वहाँ उनके लोग उनके लिए फातिहा पढ़ के और जो क्रिया है वो करके उनको दफन करते हैं और जिनको मिट्टी देनी होती है वो वहाँ मिट्टी देते हैं।